topic, only my interior. Ghar ka interior I'm going to show you all on very high demand. वैसा कुछ खास नहीं है हमारा घर, बट स्टिल लोगों ने डिमांड किया कि आप मैम अपना इंटीरियर एक बार यूट्यूब में डालो तो हम लोग भी देख सकते हैं. तो ठीक है, अब मैं आप लोग को अपना इंटीरियर दिखाती हूँ. वेट एंड वॉच. ये हमारा एंट्रेंस है, राज शालनी 504. एंट्रेंस में ही हमारा एक छोटा सा ऑफिस है. ये हो गया डाइनिंग स्पेस. दिस इज माय किचन, माय बार रूम, पूजा रूम, एक शोकेस है मेरा. ये दिस इज कॉल ऑफिस. बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लेते हैं. ड्राइंग रूम एंड दिस इज जस्ट लिविंग रूम. पास्ट सेकेंड, दिस इज माई लिविंग रूम. ये हमारा लिविंग रूम है. मेरे बहुत सारे पिक्चर्स इधर होते होंगे डांस का, या कोई भी फ्रेंड्स आती है तो हम सब इधर ही बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं. ये चेयर स्पेशली बनवाया है कि फोटो शूट करने के लिए. मेरी जितनी भी फ्रेंड्स आती है इस चेयर पे जरूर बैठ के पिक्चर क्लिक करवाती है. ये छोटा सा मेरा बार रूम है जो मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग आते हैं उनके लिए है. हम और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, बट हम लोग अपने गेस्ट का काफी ख्याल रखते हैं. दिस इज वेरी पीसफुल प्लेस ऑफ माइंड. आई स्पेशली एडोर दिस प्लेस बिकॉज आई डू योगा इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. आई टेक ग्रीन टी और बहुत पीस लगता है. और आप देख सकते हैं प्लांट्स मेरे, और आई कीप चेंजिंग द डेकोरेशन. अब सिटिंग, अब बालकोनी के अंदर कुछ प्लांट्स लगा के सिटिंग अरेंजमेंट कर लोगे ना तो एक अलग अच्छा सा गेटअप आएगा आपके घर का, सिंपल एंड स्वीट. प्लीज पूजा रूम है हमारा ये. पूजा रूम में भी एक हम वॉल पे मिरर लगा दिए हैं. आप देख सकते हैं कि दरवाजे के ऊपर भी एक जस्ट बेल है. आपने पूजा रूम में भी यूटिलाइज कर लिया एक वार्डरोब का, क्योंकि मेरे पास कपड़ा रखने का जगह होना चाहिए तो ये वार्डरोब बनवा लिए हम लोग. ये पूजा रूम का हो गया. और ये मेरी बेटी का बेडरूम है, उसका नाम मुस्कान है. तो उसकी वॉल पे डोर के ऊपर लिखा हुआ एम. डॉटर का बेडरूम है. और आप अपने किसी भी बेडरूम में ना, आप बहुत एक्सपेंसिव चीज का जरूरत नहीं डेकोरेशन के लिए. आप सिंपल स्वीट सी चीज को भी आप डेकोरेट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं एक बैम्बू, सिंपल सा एक बैम्बू है. उस बैम्बू में मैं मनी प्लांट लगा दूंगी, बस सिंपल सा डेकोरेशन हो गया और अच्छा लग रहा है. और ये कर्टन के बदले आप लाइन लगा सकते हैं. और अब वॉल पे पिक्चर्स डिस्प्ले कर सकते हैं अपने बच्चे का. और एक छोटा सा, मतलब आपको बस डेकोरेशन करना है जस्ट सिंपल वे में. तो कुछ डेकोरेशन करते रहती है. उसका टीवी भी बनने गया हुआ है. और ये इसका वॉशरूम है. अब वॉशरूम में भी आप प्लांट्स लगा सकते हो, कॉर्नर पे कैंडल लगा सकते हो. ये मेरा बेटा का बेडरूम है. हर एक बेडरूम के पीछे हमारा एक मिरर है. यू कैन सी दिस मिरर. ये वॉशरूम है मेरा बेटा का.
ये मेरा किचन है, किचन को डिज़ाइन किया मेरे हस्बैंड ने, उनका बहुत मन था कि फ्लोर पे भी लाइट हो। ये फ्रिज के साथ अटैच्ड मेरा कैबिनेट है माइक्रोवेव ओवन का। ये सारा स्टोरेज है ऊपर से लेके नीचे तक, हर एक कॉर्नर को, हर एक जगह को यूटिलाइज करने की कोशिश किए हैं। ये मेरा वॉशिंग एरिया है, एक बालकोनी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बस जिस कचरा सामान सब जितना हो सकता है। ये मेरा हैंगिंग है जहाँ पे हम सारे कपड़े ऊपर टांगते हैं, यहाँ वेजिटेबल्स होता है। ये मेरा बैक साइड का बालकोनी है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम दिस साइड, छोटा सा मिनी गार्डन। छोटे छोटे चीज से ना डेकोरेशन कर सकते हैं हम लोग। ये हमारे घर का वॉल ऑफ फेम है जो बहुत ही सुंदर है, और सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ माय हाउस इज दिस वॉल ऑफ फेम। आपके घर में कोई भी एक वॉल को आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं पिक्चर से, पुराने पुराने पिक्चर्स को लगा दोगे उसको वॉल ऑफ फेम बना सकते हो और बहुत सुंदर लगेगा। एक वॉल को यूज कर सकते हो आप। देखो मेरे शादी की पिक्चर्स भी हैं, मेरे बच्चे के लिए छोटे छोटे सब पुराने नए सब पिक्चर्स लगे हुए हैं, और आप फैमिली फोटो को वॉल पे ऐसे यूज कर सकते हो इस जगह को आप। तो बस जगह को यूटिलाइज करना जैसे भी हो। दिस इज माई बेडरूम, माई फेवरेट प्लेस। वॉल पे पिक्चर्स है, वो मेरा वार्डरोब है, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल, परफ्यूम्स, माय मेकअप, मेरे हस्बैंड का वार्डरोब, एंड दिस इज माय वॉशरूम। सब कोई चाहता है कि उनका घर बहुत सुंदर लगे, साफ सुथरा लगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई विल नॉट आस्क एवरीवन टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बिकॉज ये वीडियो मैं कुछ लोगों की डिमांड पे मैं अपना इंटीरियर दिखलाई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर को सुंदर से सजा के रखिए। सजाने और रखने के घर के लिए जरूरी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव चीज को लगाने का जरूरत है, सिंपल प्लांट्स और कुछ डेकोरेशन और या कुछ वॉल पेंटिंग, अपने फोटोग्राफ्स, कर्टन, किसी भी स्टाइल को आप यूज कर सकते हैं घर पे। और अगर घर सुंदर लगेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, तो आप बहुत पीसफुल फील करेंगे। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन कि अपने आप अपने घर को अब एक घंटा टाइम दे। मैं 1 से 2 घंटा जरूर लगाती हूँ टाइम अपनी मेड लोग के साथ क्लीन करने में, और टचअप करते ही घर का एक अलग ही चमक आ जाता है। Hope you all liked it. Thank you. Bye-bye.